हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ एक नई रेसिपी को लेकर। आज हम बनाएंगे मूंग दाल सहजन यानी मोरिंगा के साथ। मैंने यहाँ पे मूंग दाल को भिगो दिया है। मोरिंगा यानी कि सहजन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करता है और इसमें पाया जाता है भरपूर मात्रा में विटामिन, अमीनो एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट। और सहजन हमारे आर्सेनिक टॉक्सिसिटी से बॉडी को भी बचाता है। मैंने यहाँ पे मूंग दाल, मिर्ची और सहजन को बॉईल करने के लिए रख दिया है। दो सीटी के बाद ये सहजन यानी कि मोरिंगा बॉयल हो जाता है, लेकिन यह मूंग दाल अभी भी बॉयल नहीं हुआ है, तो मैं इसको और दो तीन सीटी मार लूँगी। दो तीन सीटी के बाद ये बॉयल हो चुका है। मैंने यहाँ पे तड़का लगाने के लिए लिया है चेरी टोमेटोस। इसका बीज निकाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। मैं यहाँ पे मूंग दाल पे आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। और मैं यहाँ पे अलग किए हुए सहजन को मिला दूंगी। मैंने तड़का लगाने के लिए कढ़ाई भी गरम कर ली है। मैंने यहाँ पे दे दिया है मेथी और नेन्नाम। ये काफ़ी आसाम में खाया जाता है नेन्नाम। अगर आप चाहे तो करी पत्ता से भी दे सकते हैं। और यहाँ पे तेज पत्ता दे दिया है मैंने। और जो टमाटर उसका पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है मैंने। मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक। नमक स्वाद अनुसार आप डालिएगा। मैंने यहाँ पे तड़का लगा लिया है। मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ एक चम्मच। ये हमारा तैयार हो गया न्यूट्रिएंट से भरी दाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।